ये फोर्ट देखने के लिए आ गए प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ फोर्ट अभी भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। शिवाजी महाराज का भी 13 जनरेशन, उनका नाम है छत्रपति उदयन राजे भोसले, वो यहाँ के MP है, उनके हाथ में फोर्ट है। ऑल महाराज शिवाजी महाराज के 36 फोर्ट, कैपिटल फोर्ट उनका रायगढ़। तो रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे और ये प्रतापगढ़ इधर उनकी माँ रहती थी जीजा माता जीजाबाई, ऊपर भवानी माँ का मंदिर, तो मंदिर के लिए फोर्ट बनाया प्रतापगढ़। तुम लोग अभी महाबलेश्वर से आ गए तो आते समय घना जंगल पहाड़ी इलाका और बीच में एक नदी था कोयना नदी, सुखा हुआ था। और कोयना नदी के पास एक विलेज एक गांव है, गांव का नाम है जावली। तो यहाँ का इंचार्ज मोरे था चंद्रराव मोरे, तो चंद्रराव मोरे मराठी होकर भी अदिल शेख के अंदर में काम करता था। तो चंद्रराव मोरे को समझाया शिवाजी महाराज ने, तू हिंदू है, अपन हिंदी स्वराज्य बढ़ाएंगे। ये मोरे ने सुना नहीं, तो मोरे को पहला खत्म किया जावली गांव में 1655। ये जावली घाटी पूरा जीत लिया, तब तक ये पहाड़ था और पहाड़ी के ऊपर फोर्ट बनाया खाली 2 साल में। ये फोर्ट की जो साइट वाल है पूरी 52 एकड़ है, 52 एकर। 1656 फोर्ट बनाने के लिए चालू किया और 1658 फोर्ट बना के पूरा हुआ। 2 साल में 7000 सैनिक ने प्रतापगढ़ फोर्ट कंप्लीट किया और यहाँ पर अफजल खान को मारा था। वो हम लोग कबर देखते हैं, अफजल खान कबर। शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के वास्ते नीचे गए तो ये गुफे के अंदर 40 आदमी छुपा के रखा था। क्यों रखा था? किले का एंट्रेंस ये दोनों दीवार के बीच में आता है, समझो नीचे से दुश्मन यहाँ तक पहुंच गए तो 40 आदमी उधर रुकना चाहिए। 1957 इधर नेहरू जी आए थे, भारत के पहले पंतप्रधान, तो उनके आने के लिए रास्ता रोका, जाने के लिए 450 सीढ़ी बनाया, इसलिए ओरिजिनल गुफा तोड़ना पड़ा। तो हम लोग अभी इधर खड़े, ये पूरा पहाड़ी गुफा बड़ी थी, रास्ता बनाया गुफा तोड़ दिया, तो मट्टी पत्थर जाकर गुफा पूरा भर गया। और जो सुरंग आता है छुपा रास्ता, वो हम लोग किले के अंदर देखने वाले हैं। और अफजल खान को प्रतापगढ़ के नीचे मार दिया, देखिए लाल वाला मकान दिखाई देता है और ऊपर जो घुम्मट है उसके अंदर 2 कबर अफजल खान सैयद बंडा। तो अफजल खान की ऊंचाई कितनी थी? 7.5 फीट। शिवाजी महाराज की ऊंचाई कितनी थी? 5.25 फीट। अफजल खान शिवाजी महाराज गले मिल गए, शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने खंजर चाकू का वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने वो बख्तर पहना था लोहे का कपड़ा, शिवाजी महाराज बच गए। शिवाजी महाराज के पास जो शेर के नाखून थे अफजल खान के पेट के अंदर डाल दिया और अफजल खान का फिर चिर डाला। अफजल खान दगा दगा ऐसा चिल्लाया, उसका बॉडीगार्ड था सैयद बंडा, उन्होंने भी शिवाजी महाराज के ऊपर हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड का नाम था जीवा महाला, उन्होंने सैयद बंडा को खत्म किया। तो दोनों की कबर प्रतापगढ़ के नीचे है। अभी हमारी इधर बाइक लगा है, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है नीचे जाने के लिए। रास्ते के बाजू में राइट साइड में प्रवेश द्वार ऐसा बोर्ड लिखा है, उधर गाड़ी लगाने का और अफजल खान की कबर देखने का। बाजू में जो ब्लू वाला मकान दिखा देता है वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी है, सातारा कलेक्टर अंडर कवर है, जिससे अंदर किसी को छोड़ते नहीं। आप लोग प्रवेश द्वार से अंदर आ गए नीचे गांव छोड़ के, पहले लोग घोड़े के ऊपर बैठ के आते थे तो ये रास्ता था, ये घोड़े वाला रास्ता अभी भी लोग आते जाते हैं, पहले का लोकल रास्ता पुराना रास्ता है। और ये पुराना घना जंगल और इस जंगल में जंगली जानवर अभी भी है, शेर वगैरह, अकेला आदमी नीचे उतर नहीं सकता। ये पूरा सह्याद्री माउंटेन जो बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट सह्याद्री पर्वत, ये प्रतापगढ़ फोर्ट है। वैसा लास्ट वाला ऊंचा पहाड़ दिखा देता है ना, वो भी एक शिवाजी महाराज का फोर्ट है, उसका नाम है मकरंदगढ़ फोर्ट। उसके ऊपर एक शंकर भवन का मंदिर, पानी का तालाब, और उधर जाना हो तो 14 मिनट चल के जाना पड़ता है, खाली ट्रैकर लोग वहां पर जाते हैं। और क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो प्रतापगढ़ से 3 फोर्ट दिखा देता है, रायगढ़ राजगढ़ और तोरना पीछे के साइड से। अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए 450 सीढ़ी, प्रतापगढ़ देखने के लिए हमको 1.25 घंटा लगता है, किले का एंट्रेंस उधर हम लोग रुकते हैं। यहाँ तक हमारे 95 सीढ़ी होता है और 95 सीढ़ी में कई लोग थक जाते हैं। उस जमाने में दुश्मन लोग हाथी लेके आते थे, तो इधर हाथी आना नहीं चाहिए, एकदम रास्ता कितना नौरे है देखो, छोटा है। दूसरा यूज बड़ा लकड़ी करते थे, तो बड़ा लकड़ी भी इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर टर्न है, इधर लकड़ी आ नहीं सकता। और किले के आसपास के दुश्मन लोग पहुंच गए तो यहाँ से तोप चलाने का, ये जो छोटे होल रखे हैं ना, यहाँ से तोप चलाने का। ऊपर देखिए एक विंडो दिखाई देता है, यहाँ से तोप इधर चलाई देते हैं सीधा शूट मेन एंट्रेंस के ऊपर। और किले के आसपास कोई दुश्मन लोग आए थे यहाँ से तुप चलाने का। और किले का दरवाजा भी छोटा रखा है सर, उस जमाने में अरबी ऊंचा घोड़ा रहता था तो 2 घोड़े अंदर जाना नहीं चाहिए, इसकी वजह से किले का दरवाजा छोटा किया। ये दरवाजा रात 5 बजे बंद करते हैं अभी भी, और सुबह 6 बजे किले का दरवाजा खोला जाता है, आने जाने के लिए एक ही रास्ता मेन एंट्रेंस मेन गेट। और यहाँ तक हमारी 95 सीढ़ी हुआ, आगे 345 सीढ़ी जाने का है, और ये सीढ़ी थोड़ा भारी है। गेट के अंदर जाएगा तो पुरानी तोप देखने के लिए मिलेगा, और तोप का वजन है 650 किलो और 1 किलोमीटर उसका रेंज है, देखते हैं तो भाई। यहाँ पे मशाल रखते थे, ये है मशाल, इसके ऊपर मशाल, और ये है पुरानी तोप।
तोप का वजन कितना? 650 किलो, 1 किलोमीटर रेंज। देखिए ये सीढ़ी इजी है, हम लोग किले के अंदर आ गए। प्रतापगढ़ फोर्ट बना के 350 साल हुआ है। अभी हम लोग कैसे सीमेंट रेती यूज करते हैं, उस जमाने में पत्थर के जॉइंट के अंदर क्या रहता था? चूना। हम लोग खाते हुए मीठा गुड़, उड़ीद का डाल और रेती। अभी भी फोर्ट का रिनोवेशन वही मटेरियल से करते हैं, तो मिक्स करने के लिए ग्राइंडर बोलते हैं ना, चूने की घानी। ये साइड एक है और सामने वाली है। हमारी राइट साइड की दीवार देखिए, 2-3 साल हुआ है नया बना के। उस जमाने में पत्थर बड़े होके बीच वाली लाइन देखो कितनी छोटी है, और शिवाजी महाराज के टाइम की ये दीवार है। अभी हमारे गवर्नमेंट ने किया, पत्थर छोटे हो गए, लाइन कितनी बड़ी है देखो, दोनों दीवार के बीच में कितना फर्क आता है। और जो हिस्ट्री बुक में प्रतापगढ़ का फोटो दिखा देता है ना, तो झंडा लगाए पहला चेक पोस्ट, पहला वॉच टावर। ऐसे किले के अंदर चार है, जो सबसे ऊंचा है, सबसे मेन है, उधर हम लोग जाने वाला है। गेट के अंदर हमने तोप देखा, उसके ऊपर थी, उसका रिनोवेशन चालू से तोप उठा के गेट के अंदर ला के रखा है। पहला चेक पोस्ट वॉच टावर। और ये साइड में ऊपर में देखिए ना, एक काला पत्थर का दीपस्तंभ है, दो है, एक दिखाई देता है हमको। ये साइड भवानी माँ का मंदिर, शिवाजी महाराज कुल देवी, भवानी माता। शिवाजी महाराज का मेन कैपिटल फोर्ट तो रायगढ़, तो रायगढ़ से आना जाना घोड़े के ऊपर चलता था। जैसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, जैसे शिवाजी महाराज के पास घोड़ी थी, उसका नाम है कृष्णा, तो घोड़े के ऊपर सवार होकर यहाँ तक आते थे। और पालकी बोलता है ना, पालकी में बैठ के खाली रॉयल फैमिली ये रास्ते से मंदिर जाते थे। मंदिर जाने के लिए पुराना रास्ता, इसको राजमार्ग पालकी दरवाजा बोलते हैं। और राजा की बराबरी हम लोग कर नहीं सकता, इसलिए दरवाजा बंद रखा है। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 सिवनेरी फोर्ट, 1680 पर शिवाजी महाराज रायगढ़ में देहांत हुए। 1674 1674 शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, यानी राजा बनकर 6 साल राज किया और 1680 पर देहांत हुए। मैंने आपको गुफा दिखाई, वो खाली सैनिक छुपाने के लिए। ऐसा वक्त आया, किला दुश्मन ने किला जीत लिया, तो भागने के लिए सुरंग बोलते ना, छुपा रास्ता। इधर देखिए, आइए थोड़ा सीरीज। अभी किले का रिनोवेशन चालू है, तो ये चुनाव वगैरह लाया है, थोड़ा आगे जाके लीजिए ना। गुप्त रास्ता, द हिडन पाथ गाइस, यहाँ से जा सकते नहीं, पूरा खाई है पीछे से, खाई है ना। द फोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाई किले के बाहर निकलने का, और किले के बाहर घोड़े रहते थे, तो नजदीक वाला फोर्ट, घोड़े के ऊपर बैठो और नजदीक वाला फोर्ट रायगढ़ निकल जाओ, ऐसा वक्त आया तो ऐसे इमरजेंसी बना के रखा। और राजा के बराबर हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए दरवाजा बंद रखा है। पुराना रास्ता पहले यहाँ से आते थे क्या? हाँ, पहला राजा लोग खाली, और आम जनता इस तरह से सर, ये नए साथ ओनली टू रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली। हाँ यस। और अफजल खान को मारने के बाद, अफजल खान जिंदा ही था, अफजल खान को उठाने के लिए 12 आदमी लगते थे, बाप रे। तो शिवाजी महाराज का दूसरा बॉडीगार्ड था जुवा संभाजी कावजी कुंडाकर, उन्होंने पालकी वाले का पाइप पाव तोड़ दिया, और अफजल खान का सिर, ये जो झंडा लगाया ना, इसके ऊपर लटका दिया था कहीं टाइम। और अफजल खान का सिर यहाँ के उठा, यहाँ से उठा के राजगढ़ फोर्ट लेके गए जा माँ को दिखाने के वास्ते। तो अफजल खान की सिर की कबर राजगढ़ फोर्ट में है, और बॉडी की कबर प्रतापगढ़ के नीचे है, दो कबर। बड़ा पावर कंपोनेंट, किले के नीचे कोई दुश्मन आए तो यहाँ से तोप चलाई दे देता है। ऊपर ये है फायरिंग वॉल। और तुम लोग अभी महाबलेश्वर से आए ना, महाबलेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर है, सामने वाला पहाड़ महाबलेश्वर है। जो बीच वाला टावर दिखा देता ना, मतलब टावर दिखो बगा, वो व्हाइट वाले के वहाँ पे, हाँ बीच वाला बड़ा वाला टावर है, विल्सन पॉइंट है, सनराइज। और छोटा वाला टावर दिखा देता ना, चमक रहा है, वो सनसेट बम्बई पॉइंट आता है। ये सामने वाली पहाड़ी आगे ऐसे आके झुक गई है ना, ये एलिफेंट हेड, हाथी के माथे सरी का दिखा देता है, राइट ये जो पहाड़ है। हाँ ये एलिफेंट हेड, उसका आगे का एल्पिसन पॉइंट है, और पीछे वाला पहाड़ सबसे मेन पॉइंट अर्थर सीट। टोटल महाबलेश्वर साइट सीन घूमने के लिए 12 पॉइंट और 5 नदी का उगम है। 5 नदी वहां से स्टार्ट होती है, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री। और महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है सी लेवल 4,500 फीट, प्रतापगढ़ की ऊंचाई 3,500 फीट, 1,000 फीट हम लोग महाबलेश्वर से नीचे है। जो फितूरी मोरे था, गद्दार मोरे, उसका गांव देखिए, ये जावली गांव। उस टाइम इतना घना जंगल था कि सूरज के किरण जमीन को छू नहीं सकता था। जावली गांव खुरा, ओके। उस टाइम इतना घना जंगल था कि सूरज के किरण जमीन को छू नहीं सकता था। अभी यहाँ पे लोग रहता है, चावल का खेती बना देता है, इससे जंगल थोड़ा कम हुआ। ये सेवन में जितने नेहरू जी आए थे तब ये सीढ़ी बनाया, 50 साल हुआ ये सीढ़ी। और 3,500 साल पहले की सीढ़ी देखे, 0 मेंटेनेंस, 1 रुपये खर्चा नहीं, कितना मजबूत, कितना अच्छा है। हाँ, आपको जो रॉयल पाथ बोला था ना, टूरिज्म यहाँ से एंट्री था,
वो गैलरी बनाए तब से वो रास्ता बंद हुआ। वो गैलरी ड्रमो हॉल की जगह है, नगाड़ा बजने की जगह। ये पहाड़ी का सोल्जर लोग एक गट्टा करने को तो नगाड़े बजाई देते थे। वो जगह पहले लकड़ी की थी, टूट गए थे नए के। और भवानी माँ का मंदिर यहाँ तक 250 स्टेप होता है, 250। पहले मंदिर चलते हैं हम लोग। और नवरात्र दसरा रहता है तब ये फोर्ट में मशाल लगाई देता है। 2011 में प्रतापगढ़ को 350 साल पूरे हो गए, तब 350 मशाल लगे थे। तब से एक हर साल एक मशाल बढ़ जाती है। भवानी माता मंदिर, शिवाजी महाराज कुलदेव, समिल गौड़ एक पुराने वैकेंस से तो सैनिक खंधे पे हाथ में लेके दीवार के ऊपर से चलते थे। जो दीवार के बीच में मैंने आपको छोटे होल दिखाया ना, तो ये तो चलाने का, आगे से गन को डालते थे और पीछे से जलाने के लिए होल है। अभी हमको अकेला चलना मुश्किल होता है, ये हाथ में लेके चलते थे। और ये पत्थर तोड़ने के लिए पड़ा ही सुन कटा। पुराना मंदिर 350 पुराना मंदिर है। साइड में कॉपर का पत्रा और लास्ट में ऊपर कलश है। ये दीपस्तंभ, इसके ऊपर दिया जलते हैं लक्ष्मी पूजन दीपावली के टाइम। और नवरात्र पूरा मंदिर में लाइटिंग होती है। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा तो मंदिर में दो चीज देखने के लिए मिलेगा। एक तो तलवार है पुरानी, शिवाजी महाराज के कमांडो थे, शिवाजी महाराज के साले भी थे, उनका नाम है कान्होजी हंबीराव मोहिते। उनकी तलवार मंदिर में है, देखने में हल्की है, उसका वजन 3 किलो आता है। जब भवानी माँ की सुबह पूजा होती है अभिषेक, वो हाथ में लेके देते हैं। अभी खाली दूर से देखना पड़ेगा। और भवानी तलवार हम लोग बोलते हैं, तलवार इस मंदिर में थी भवानी तलवार, लेकिन ब्रिटिश लोगों का राज हुआ तो ब्रिटिश लोग 1818 में भवानी तलवार ऐसे लेके गए। वो तलवार अभी ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है। कई साल पहले जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर अंकुले साहब थे, वो तलवार लाने के लिए उधर गए, वो लोगों ने दिया नहीं। जिधर अभी इंडिया का कोहिनूर हीरा, वहाँ पे भवानी तलवार आता है। और शिवाजी महाराज का 32 मन सोने का सिंहासन भी था, वो भी अंग्रेज लोग लेके गए। 32 मन बोले तो 1280 किलो का सोने का सिंहासन लेके गए। और मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे भवानी माँ का मूर्ति का जो पत्थर है, वो हमारे देश का नहीं, नेपाल में जो काली गंडी के नाम की नदी है वहाँ पे शालिग्राम पत्थर मिलता है। वो पत्थर हमको अभी सोनार के पास देखने के लिए मिलता है। सोना चांदी घिस के लेते हैं ना, उस पत्थर से माँ की मूर्ति बनाई गई है। अष्टभुजा ने 8 हाथ की है, जैसी स्थापना की है आज तक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। और एक कांच का बॉक्स है, उसके अंदर एक शिवलिंग है, वो शिवलिंग स्फटिक क्रिस्टल का है, हमेशा पूजा में रखते थे शिवाजी महाराज। रायगढ़ में देहांत हुए, उनका जो बड़ा लड़का था संभाजी, पूजा होना चाहिए, इधर लाके रखा है। और हम लोग अभी इधर शिवलिंग देखते हैं, तलवार और भवानी माँ का दर्शन करते हैं। उधर क्या पालकी, जब दिल्ली के पूनम गए थे तो भी पालकी बदलते थे हर महीने के पूनम में। ताक वगैरह कैसे तुम्हारा हनुमान मंदिर, रामदास स्वामी ने मूर्ति का स्थापना किया है। ये मूर्ति पुरानी है, खाली मंदिर नया किया। और दक्षिण तरफ फेस है हनुमान जी का, ये बाजू में दक्षिण साइड आता है, ये है पूरब, ये है दक्षिण साइड। और यहाँ से छोटा किला चालू हुआ जिसको बाल किला कहते हैं, स्मॉल फोर्ट। ऊपर इनका राजमहल, दरबार की जगह, अनाज के गोदाम, घोड़े के तबेले, सब छोटे किले के अंदर। हम लोग बड़े किले में है, भवानी माँ का मंदिर। नीचे से दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए, ये किला जीता, तो छोटे वाले किले से लड़ाई करो। और छोटे वाले किला भी जीत के लिया, तो अंदर सुरंग है, वहाँ से निकलो, उनको दिखो हम भाग गए। भागने का नहीं, राउंड लगा के वापस इधर आने का, दरवाजा लगाने का छोटा गेट का, छोटा किले का, और लास्ट तक लड़ते रहते थे। भागने का नहीं, पीछे समझना, ताकत से दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा। मराठी में उसको गनी में कावा बोला जाता है, पीछे समझना, ताकत से दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा, गोरिल्ला वारफेयर। ये गेट के अंदर जाएगा तो सीढ़ी खत्म होती है। ये मंदिर है शिव मंदिर, नीचे हमने भवानी माँ का मंदिर देखा, वही भवानी माँ की मूर्ति की स्थापना शिवाजी महाराज इधर करना चाहते थे, तो पूजा पाठ किया, खुद ने लगाया तो आपको सहयोग मिला। तो इधर शिव मंदिर और नीचे भवानी माँ का।
और शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के वास्ते नीचे गए तो इधर रुद्र अभिषेक किया था। शिवाजी महाराज की इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा पूर्ति शिवलिंग ऐसा नाम दिया है। तो ये शिव मंदिर है, आप लोगों ने ओल्ड महावेश्वर का मंदिर देखा होगा, वो 4,500 साल पहले का है और ये 350 साल पहले का। और ये जगह मीटिंग पैलेस की रॉयल कोर्ट दरबार, जो नया आदमी इधर लेना हो तो पहले भगवान की कसम खा लो फिर दरबार में बिठा दो। ये पूरा बनाया था, सब अंग्रेजों ने गिरा दिया और पहले था वैसे बनाने का है, इसलिए पत्थर ला के रखा है। शिवाजी महाराज ने 52 एकड़ किले की दीवार 2 साल में कंप्लीट किया है, पत्थर ला के 4 साल होके गए। देखो कितना फर्क है, क्या से फोटो लीजिए। उधर जाने वाले क्या? इधर नहीं, उसके अंदर नहीं जाने देते। और रावण के अंदर पानी का तालाब है, वो सेकंड वॉच टावर है। अच्छा। जो फर्स्ट है उसके नीचे हमारे अभी बाइक लगे हैं, झंडे लगे ना उसके नीचे। यहाँ पे एंट्री नहीं है? नहीं, इसके अंदर एंट्री नहीं है, मंदिर के बाहर नहीं है। वास्तुकला लिखा है कितना था यहाँ पे टावर? एक दो और ये तीसरे के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, चौथा पीछे साइड रहता है। इधर झंडा लगाए ना, उधर शिवाजी महाराज का स्टैचू है, उधर जाने का। शिवाजी महाराज हर एक किल्ल्यांमध्ये शिव मंदिर तर आहेच ना? आहे है ना, शिव मंदिर बाय डिफॉल्ट एक शिव मंदिर आहे। शिवाजी महाराज जास्त मानायचे ना, हो। कैप्चर किया तो भागने के लिए सुरंग देखो, सीक्रेट रास्ता, सुखा रास्ता। नीचे का उजाला दिखा देता, खालचा उजेड कुछ बघा, जवळच आहे सीक्रेट, सुखा रास्ता, अंडरग्राउंड वे। ये नया बांधकाम किया है, नया दीवार बना है। ये जो नीचे वाला रास्ता दिखा देता है ना, ये रास्ता मुंबई वाला है, महाड़ होके जाता है, महाड़ मुंबई वाया महाड़ कोल्हापुर होके महाड़ पेन, हाँ पेन इंदापुर वगैरह मानगाव। ये सबसे मेन वॉच टावर, कोकण साइड से कोई दुश्मन लोग आ गए समझो तो यहाँ से तोप चलाने का, आगे जावली गांव से आएगा तो झंडा वाला पॉइंट से तोप लगाने का। ये सबसे मेन वॉच टावर है, यहाँ से पूरा एरिया कवर होता है। और ये चुका रस्ते से बाहर निकलने के बाद ये जो फोर्ट की दीवार है इसको राउंड लगा के वापस ही दिखे, बड़ी वाली फोर्ट की दीवार इधर है सर, इकड़े यहाँ इकडे खाली बघा दगड दिसत आहे, पडलेले दगड, किल्ल्याची तटबंदी दिसते बघा ही। यहाँ से वापस अंदर आने का और हनुमान मंदिर देखा हमने, उधर निकलने का, लास्ट तक लड़ते रहते थे। और हम लोग ये दीवार के अंदर खड़े हैं, ये हमारा 17 जिला है, दीवार के बाहर हाथ निकलेगा जिला रायगढ़, यहाँ से नीचे ये 2 जिले की बॉर्डर है, खाली रायगढ़ सतारा। है मुझे पता है, मैं अतुल यहाँ पे भाग रखता है। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए छुपा रास्ता दिखा देता है, विंडोज धनी मंदिर है। और गेट के मंदिर के पास हमने तोप देखा, वो तोप सैनिक हाथ में लेके दीवार के ऊपर से चलते थे, ये जो छोटे होल्स रखे हैं ना यहाँ से तोप चलाने का। आर्थर देखा, आर्थर सेट? हाँ आर्थर देखा कल, आर्थर सेट पॉइंट है वहाँ से, यहाँ पे दिखाई देता है, ये वहाँ से झंडा दिखा था हम लोग, झंडा भी है ना। और हम लोग अभी इधर खड़े हैं, ये आता है पनिशमेंट पॉइंट, खड़े लोग पनिशमेंट पॉइंट। उस जमाने में गद्दार आदमी रहते थे देशद्रोही, वो आदमी को इधर पकड़ के लाओ, उसका हाथ पर बांधो और यहाँ से नीचे धक्का दे दो, आदमी को ऊपर से गिराएगा तो 2,000 फीट नीचे खाने जाएगा। और इसकी ऊंचाई 3,500 फीट है। दीवार के बाहर थोड़ा सा हाथ निकाले, कितनी पवन, कितना क्लाइमेट चेंज है, देखो रायगढ़ का। यहाँ से नीचे ढकल देने का पनिशमेंट पॉइंट, गद्दारों को सजा, मौत की खाई, मराठी मध्ये अपन बोलतो कड़े लोट, शिक्षा देण्याचं ठिकाण रायगढ़ला टकमक टोक आहे, तिथून फेकायचे। 3,500 फूट पर हम लोग अभी खड़े है सी लेवल से, और कार पार्किंग से 1,800 फीट। सबसे ऊंचा वाली जगह ये आता है, स्टैचू देखा है,
दिखाई देता है। यही जगह पे शिवाजी महाराज का महल था। यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग आ गए वो लोगों ने तोप चला के जो महल था वो गिरा दिया। याद चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोगों ने स्टैचू मुंबई में बनाया। बनाने वाले का नाम है रामचंद्र पांडुरंग कामत, विले पार्ले रहता है मुंबई। जैसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, जैसे शिवाजी महाराज के पास एक घोड़ी थी उसका नाम है कृष्णा। तो घोड़ी के पाव से तलवार के नॉब तक 16 फीट की ऊंचाई है और नीचे वाला फाउंडेशन 20 फीट का है, टोटल 36 फीट है रहता है। और ये उस जमाने में ऐसा था सर कि कौन सा ही राजा ना तो रानी लड़ाई में गुजर गए तो घोड़े के आगे के दोनों पाव ऊपर रहता है, ऊंचा रहता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो महाराणा प्रताप लड़ाई में गुजर गए तो चेतक घोड़े का दोनों पाव ऊपर है और शिवाजी महाराज नेचुरल डेथ किसी ने मारा नहीं तो एक ही पाव ऊपर है। यह है उस जमाने का सिंबल। तो ये मूर्ति है गार्डन और आगे देखते पुरानी चौक। हाँ, ये होता है अपना। Thank you.